अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन अच्छा चल रहा होगा, आपने वीकेंड खूब इंजॉय किया होगा। आज हफ्ते का पहला दिन है, मेहनत का टाइम है, पढ़ना है आज हमने, और पूरा वीक अब पढ़ना है, काम करना है, ठीक है। और आज की जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी सेकेंड पोएम नाइट मेल, उसको पढ़ेंगे। उसमें से कुछ आइडियाज़ आपको बताऊँगा कि ये नज़म किस चीज़ के बारे में है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स। टाइम मिला तो हम इसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे, ताकि चलें एक दिन के अंदर एक पोएम हो जाया करे तो क्या ही मज़ायका है। अगर ना टाइम मिला तो कल जो है वो इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और साथ में जो है वो हम कुछ देख लेंगे कि इसकी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो है वो कैसे करनी है। बड़ी मज़े की पोएम है नाइट मेल। ये असल में नज़म है एक ऐसी रेल के बारे में जो पैसेंजर ट्रेन नहीं है, जो मुसाफिरों को लेकर नहीं चलती, बल्कि वो जो सामान है, जो लगेज है, मालगाड़ी जिसे हम कहते हैं, वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाती है। तो ये मालगाड़ी के ऊपर एक नज़म लिखी है WH ऑर्डन ने। अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्रेन के ऊपर, मालगाड़ी के ऊपर भाई क्यों नज़म लिखी है, ये शायर को क्या हुआ? तो वो शायर है, उसकी मर्ज़ी वो जिस चीज़ के ऊपर मर्ज़ी नज़म लिख दे। कभी हमने वह क्वेश्चन किया कि जब वो दुनिया के बारे में, कायनात के बारे में, एक दूसरे के बारे में हम नज़में लिखते हैं तो भाई क्यों लिख रहे हैं? तो जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, जो अपील करती है, तो शायर सेंसिटिव लोग होते हैं, उसे ये चीज़ अपील की कि किस तरह एक माल गाड़ी चलती है और दूसरी तरफ जो है वो साजो सामान लेकर पहुंच जाती है, और कोई उसे रुकावट नहीं, वक्त पर पहुंच जाती है। अरे वाह, क्या बात है! लेकिन इसके पीछे एक राज छुपा है, एक बात छुपी है, वो ये कि जब इंजन बना नया नया, उससे पहले इंसान जैसे खेती बाड़ी करते थे बैल कोलू के साथ, हम जानवरों के ऊपर बैठ कर सफ़र करते थे, तो फिर पहिया बन गया, साइकिल बन गया, रेहड़ी बन गई, और फिर इंजन आज़ाद हो गया, दुनिया तरक्की। तो ये बेसिकली नेचर वर्सेस साइंस है कि अब साइंस का दौर है, इसको कोई नहीं रोक सकता, और साइंस जो है ये एक यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं हो सकता कि देखें, अगर एक फॉर्मूला, कोई इन्वेंशन, कोई डिस्कवरी अमेरिका में होती है तो हम उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते, उसका फ़ायदा पूरी दुनिया उठा सकती है। इसी तरह कोई इन्वेंशन, कोई डिस्कवरी हम पाकिस्तान में करते हैं तो उसका फ़ायदा पूरी दुनिया उठा सकती है। वो हमारी जो है वो हम नहीं कहेंगे कि इसके ऊपर हमारी अजारादारी है। तो जब साइंस जो है इसका दौर शुरू हुआ, तरक्की का एक नया ज़माना शुरू हुआ, तो लोग बड़े इंस्पायर थे। जैसे देखो, आज अभी तक जो है वो कोई फ्लाइंग सॉसर, उड़ने वाले जहाज, उड़ने वाली तश्तरियाँ नहीं बनी। और अगर अचानक हमारी आंखों के सामने गाड़ी आ जाए जो उड़ रही हो, तो हम कैसे हैरान होकर उसको देखेंगे, अरे वाह, अरे देखो ये गाड़ी कैसे उड़ रही है हवा में, कमाल कर दिया। और फिर हमारे अंदर इश्तियाक होगा कि हम उसको गौर से, करीब से देख सकें, उसके अंदर बैठ के देख सकें, फिर उसकी हम बातें करेंगे। यही है यहाँ पर कि उसने वो माल गाड़ी देखी जो एक मुल्क से शुरू होती है और बगैर किसी रुकावट के दूसरे मुल्क पहुँच जाती, और कहाँ इंसान आहिस्ता 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 रस्ते में रुकता रुकता परेशानियों, मुसीबतों को झेलता हुआ एक जगह से दूसरी जगह जाता था। आपको ही परेशानी नहीं, इतनी तेज़ी से सफ़र, ये साइंस की तरक्की है। तो ये बेसिकली साइंस की तरक्की है जिसके ऊपर ये नज़म लिखी गई, उसको सिंबलाइज किया गया एक माल गाड़ी के तहत, ठीक है। चले अब हम इस नज़म को फिर शुरू करते हैं, क्या ख्याल है? ये नज़म है, दिस इज़ द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। बॉर्डर का यहाँ पे देखें बी कैपिटल है, आपके पास किताब बच्चों ज़रूर होनी चाहिए। ये वो माल गाड़ी है जो मुख्तलिफ बॉर्डर्स क्रॉस कर रही है, ठीक है। यहाँ पर बॉर्डर ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का बॉर्डर है जिसका वो जिक्र कर रहा है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रही है। आपको समझ आ रही है? ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर। और वो क्या चीज़ें लेकर आ रही है? किसी के लिए वो चेक लाती है, किसी के लिए कोई पोस्टल ऑर्डर, कोई डाक का कोई हुक्मनामा लाती है। लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर। अमीर लोगों के लिए भी खतूत, गरीब लोगों के लिए भी खतूत। इन दो लाइंस के अंदर हमें इसकी जो माल गाड़ी की या साइंस की जो यूनिवर्सैलिटी है वो हमें सामने आएगी, कि ये फ़र्क नहीं करती कि ठीक है मैं तो बस अमीरों के लिए ही खत लेकर जाऊंगी, मैं क्यों गरीबों के लिए खत लेकर जाऊं? रेलगाड़ी तो ऐसा नहीं कह सकती। इसी तरह साइंस, कि साइंस ने एक फार्मूला बना दिया कि H2O जो है ये फार्मूला है कि हाइड्रोजन के अगर दो मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिल जाएं तो वो पानी बना देते हैं। तो H2O कहें कि नहीं भाई, हम तो अमीरों के लिए हैं, गरीबों के लिए H3O पानी होता है क्या ऐसा मुमकिन है? ऐसा नहीं मुमकिन ना। तो साइंस जो है
वो तमाम लोगों के लिए बराबर है। और बच्चों कॉन्सेंट्रेट करो, बातें मत करो, लेक्चर सुनो। ये नज़म फिर बार बार कौन आपको पढ़ाएगा ऐसे? लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर। ओके ओके बच्चों, मुझे ना आपके अभी कमेंट्स मिल रहे हैं, तो आप ये क्यों क्यों क्या कह रहे हैं? आपको क्या इश्यू आ रहा है कि हमें जी जल्दी से बताएं कि टेस्ट के अंदर क्या होगा, क्या है, लेक्चर लेट अटेंड क्यों किया? आप बेटा आपस की डिस्कशन छोड़ें और मेरा लेक्चर सुने अभी शाबाश, और उसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछें। ये जो भी आपको टेस्ट से रिगार्डिंग किसी भी चीज़ से अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ लें। मैं अब दोबारा ये नज़म शुरू करने लगा हूं। दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। ये वो मालगाड़ी है जो मुख्तलिफ बॉर्डर का मतलब होता है बाउंड्री, जो एक मुल्क की जो हद है उसको छोड़कर, उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रही है। यहां पर जो बॉर्डर का बी कैपिटल है, क्योंकि ये एक खास बाउंड्री की तरफ, जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ये दो मुख्तलिफ मुल्क हैं, उनका बॉर्डर साथ मिलते हैं, तो कभी ये इकट्ठे हुआ करते थे एक ही मुल्क। स्कॉटलैंड के ऊपर बर्तानिया का कब्जा होता था, तो वो एक बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरे मुल्क में जा रही है। कभी एक शहर से दूसरे शहर जाना आसान नहीं होता था, कई दिन लग जाते थे, और आज रेलगाड़ी इंजन साइंस कितनी आसानी से सफर कर रही है कि वो मिनटों में ऐसे देखते देखते एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच जाती है। ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर, और वो लोगों के लिए, किसी के लिए चेक आता है, किसी के लिए कोई पार्सल पोस्टल ऑर्डर आता है। लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, अमीर लोगों के लिए खतूत, गरीब लोगों के लिए खतूत। द शॉप एट द कॉर्नर, आम आदमी के लिए, वो जो दुकानदार है गली के कोने में, उसके लिए कोई खत आ गया। द गर्ल नेक्स्ट डोर, और साथ वाले घर में जो लड़की है उसके लिए किसी ने खत भेजा है, तो वो खत आ गया। यूनिवर्सैलिटी के, इट हैज एन अपील टू एवरीवन, एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी इज बेनिफिटिंग फ्रॉम नाइट मेल, एवरी वन ऑफ अस इज बेनिफिटिंग फ्रॉम द यूटिलिटी, फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ साइंस, फ्रॉम द यूजबिलिटी ऑफ साइंस। साइंस की मदद से उसका फायदा हर कोई उठा रहा है। ये नहीं कह सकते कि साइंस सिर्फ अमीर ही फायदा उठा सकता है। अच्छा बेटा मियां, मैं बता देता हूं, इससे हर कोई फायदा उठाता है। पुलिंग अ बिटक, ये याद रखें, ये बिटक क्या है? बिटक, बिटक ये विलेज इन स्कॉटलैंड है। ये स्कॉटलैंड के अंदर एक गांव है, उसका नाम है बेटक। पुल अप, वहां तक पहुंचना। और वो कहती है कि पुलिंग अप बेटक, बेटक तक पहुंचते हुए अ स्टेडी क्लाइंब। स्टेडी का मतलब होता है कांस्टेंट। स्टेडी का क्या मतलब है? कांस्टेंट। कांस्टेंट, कंटिन्यूस। और जब वो क्लाइंब, वो पहाड़ी इलाका है, एक पहाड़ पर गांव है, तो वो उस पहाड़ पर ऐसे जब पहाड़ी इलाके पर चढ़ाई कर रही है, उसे कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही, उसकी रफ्तार भी कम नहीं हो रही, वो लड़खड़ा भी नहीं रही, स्टडी कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंट चढ़ाई उसकी उस गांव तक जा रही है। क्लाइंब, क्लाइंब का मतलब होता है असेंट, चढ़ाई। क्लाइंब का क्या मतलब होता है? असेंट, चढ़ाई। द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, हर्डल, स्लोप, ठीक है, या कोई मुश्किल। तो वो कहता है कि उसके रास्ते के अंदर जितनी भी मुश्किलात हैं, डिफिकल्टीज भी इसको बच्चों कह सकते हैं, ग्रेडियंट। तो उस रेलगाड़ी की, उस जो मालगाड़ी है, उसके मुसाफर में, उसके रास्ते में, उसकी मुसाफत में जितनी भी मुश्किलात हो, बट शी इज ऑन टाइम, वो हमेशा वक्त पर पहुंच जाती है। पास्ट कॉटन ग्रास, अब उसके रास्ते का सफर, वो जब गुजरती है कपास के खेतों से, एंड मूरलैंड बोल्डर, मूरलैंड, मूरलैंड होता है वेस्टलैंड। मैं ये बच्चों यहां पर लिख रहा हूं,
मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिनोनिम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड बड़ी दफा आया हुआ है। मूरलैंड का मतलब होता है वेस्ट लैंड, बेकार जमीन, बंजर, जो किसी काम की नहीं होती। तो कभी वो कपास के खेतों से गुजर रही, कभी वो पथरीले इलाकों से गुजर रही है। बोल्डर, बोल्डर का मतलब होता है लार्ज रॉक, पथरीला, बड़े बड़े पथरीले इलाके जो बंजर हैं, जो बेकार हैं, जिनका कोई फायदा नहीं, जो जमीन इस्तेमाल के काबिल नहीं, कभी वो खेतों से गुजरती है, कभी वो बड़े बड़े पथरीले बंजर इलाकों से गुजरती है। शोवलिंग वाइट स्टीम, शोवल, शोवल का मतलब होता है थ्रो, सफेद धुआं फेंकते हुए। शोवल का क्या मतलब होता है बच्चों? शोवल का मतलब होता है थ्रो, और वो सफेद धुआं फेंकते हुए जाती है ओवर द शोल्डर, अपने कंधों से। ये पिछली जब हमने पोइम पढ़ी थी उसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था पर्सोनिफिकेशन का, आपको याद होगा। अगर आपको याद है तो अभी मुझे कमेंट में बताएं कि जी सर हमें पर्सोनिफिकेशन का मतलब पता है। यहां पर देखे उसने पर्सोनिफिकेशन की है, पर्सोनिफाई किया है उस बेजान चीज को। नाइट मेल एक बेजान चीज है, लेकिन उसके कंधे, और वो कंधों से ऐसे बाहर फेंक रही है धुआं, तो ये पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं। और इन दो लाइन, जैसे पिछली दो लाइंस में हमें पता चलता है यूनिवर्सैलिटी ऑफ साइंस या यूनिवर्सैलिटी ऑफ नाइट मेल, इस दो नज़मों के अंदर, इस दो लाइंस के अंदर हमें पता चलता है कि जो नाइट मेल है इट इज़ ए वाइब्रेटिंग वाइब्रेंट फोर्स। ये मैं ना इधर लिख रहा हूँ ब्लॉग में ताकि आपको याद रहे, और अपनी इन दो लाइंस के अंदर उनके सामने ये ऐसे ब्लॉग बनाकर लिख लें कि शायर इस दो लाइंस के अंदर हमें बता रहा है कि नाइट मेल साइंस इज ए वाइब्रेंट फोर्स, एक ऐसी ताकत जिसको कोई रोक नहीं सकता, ऐसी ताकत जो हर जगह पर पहुंचती। ऑलराइट, स्नोटिंग नॉइजली, ये अगेन स्नोट करना, खराटे भरना, तो ये खराटे तो कौन लेता है? जो सांस लेता है, जो जानदार है। तो बेजान चीज तो स्नोट नहीं ना कर सकती, स्नोट का मतलब होता है खराटे लेना। तो उसने अगेन पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया। वो कहता है स्नोटिंग नॉइजली, शोर शराबा करती हुई, खराटे भरती हुई, शी पासेस साइलेंट माइल्स, वो उन खामोश मीलों दूर जो इलाके हैं उनसे गुजर जाती है, ऑफ विंड बेंट ग्रासेस, वो लंबे खामोश मील जो झुकी हुई घास के हैं, कि जब वो गुजर रही है इर्द गिर्द मैदानी इलाके हैं और घास लगी हुई, तो जब वो तेजी से वहां से गुजरती है तो हवा के प्रेशर से घास जो है वो झुक जाती है। साइंस वर्सेस नेचर, साइंस ने अब कुदरत को, फितरत को काबू कर लिया है, अब फितरत का उसके ऊपर काबू नहीं पा सकती, साइंस ने कब्जा कर लिया है। और जब फिर साइंस गुजरती है तो उसके एहतराम में फितरत झुक जाती है। यहां पे ये जो वर्ड है साइलेंट माइल्स, साइलेंट माइल्स, ये ना शायरी के अंदर बच्चों एक टेक्निक है, उस टेक्निक को कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये ट्रांसफर्ड एपिथेट का क्या मतलब होता है कि अगर कोई एडजेक्टिव जो हम किसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी नाउन के लिए, वही एडजेक्टिव हम उस नाउन के लिए इस्तेमाल ना करें बल्कि उसके साथ अगला जो नाउन है उसके साथ इस्तेमाल कर दें, लेकिन उसका मतलब पिछले नाउन को ही समझाना हो। जैसे मैं कहूं आई स्पेंट एन एंग्शियस नाइट, मैंने एक बड़ी परेशान कुन रात गुजारी। यहां पर ये एंग्शियस वर्ड जो है ये तो अटैच है नाइट के साथ, लेकिन रात तो जो है वो परेशान नहीं हो सकती ना, तो पोएट राइटर क्या कह रहा है? बेसिकली परेशान कौन होता है? रात परेशान होती है कि शायर परेशान होता है? ऑफ कोर्स शायर परेशान है ना जो ये कह रहा है, रात तो परेशान नहीं है, लेकिन उसने अपनी ये फीलिंग्स जो हैं वो रात के अंदर छुपा दी। इसी तरह यहां पर ये जो माइल्स हैं, मील, इलाका तो खामोश नहीं हो सकता, वो ट्रेन ही खामोश होगी ना, वो खामोशी से तेजी से गुजर जाती है इर्द गिर्द, ये सारी चीजें। इसे, इस टेक्निक को क्या कहते हैं? ट्रांसफर्ड एपिथेट। मैं यकीन करता हूं कि अब ये जो टेक्निक है
इसका आपने पहले नहीं सुना होगा। अगर आपने अब ये टेक्निक पहली दफ़ा सुनी है कि ट्रांसफर एपिथेट क्या होती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि सर फर्स्ट टाइम सुने। अगर आपको पहले इस टेक्निक का पता था तो तब भी आपने बताना है कि जी सर मुझे पता था ये सारी चीज़ों का। अच्छा जी, वो कहते हैं स्नोटिंग नॉइजली, तो ऊंची आवाज में शोर शराबा करते हुए वो जो है वो खराटे भरते हुए शी पासेस साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस, उस खामोश झुकी हुई घास के मीलों लंबे फासले तय कर लेती है। बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेस, अप्रोचेस का मतलब होता है कम क्लोज, जैसे ही वो करीब आती है तो इर्द गिर्द मैदानी इलाकों में दरख्तों में बैठे जो परिंदे होते हैं वो अपनी गर्दन मोड़कर उस ट्रेन को देखते हैं। स्टेयर फ्रॉम बुशेस एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, लुक क्लोजली, स्टोर का क्या मतलब होता है लुक क्लोजली, गौर से देखना, और वो परिंदे दरख्तों में बैठे ऐसे गौर से उस ट्रेन को देखते हैं। एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस, उसके एक्सप्रेशनलेस बगैर तासुरात के जो उसकी बोगियां हैं उनकी तरफ। अब वो ट्रेन के डब्बे लगे होते हैं ना, अब वो तो बेजान चीज है। अब कभी आपने देखा कि हम ट्रेन जो है वो उस पर सफर करने लगे हो और एक डब्बा देखें जो सबसे पिछला डब्बा है वो बड़ा गुस्से में है, तो मुझे क्यों सबसे पीछे रखा हुआ है, और सबसे अगला वाला डब्बा हंस रहा हो कि वाह भाई वाह मैं तो सबसे आगे हूं। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो बेजान चीजें हैं, एक्सप्रेशनलेस। तो परिंदों को तो इन चीजों का नहीं पता, तो परिंदे जब उन बेजान उन बगैर तासुरात के उन बोगियों की तरफ देखते हैं तो घूरने लगते हैं, सोच रहे होते हैं कि ये क्या आ गया, ये क्या चीज है। वो भी परेशान, नेचर वर्सेस साइंस, ठीक है। अगले है शीप डॉग्स कैनॉट टर्न हर कोर्स, कोर्स का मतलब होता है रास्ता, वे। और जब वो ट्रेन जा रही होती है तो जो शीप डॉग्स होते हैं रखवाली करने वाले कुत्ते, जैसे वो कई मवेशी होते हैं जा रहे होते हैं तो उनके साथ एक कुत्ता भी चल रहा होता है जो उनका ख्याल रखता है, उसे कहते हैं शीप डॉग। और रखवाली करने वाले कुत्ते दे कैन नॉट टर्न हर कोर्स, उन कुत्तों को पता है कि हम इसका रास्ता नहीं बदल सकते। जैसे कभी हम बाइक पर गाड़ी पर जा रहे हों तो अचानक से एक तरफ कुत्ता भागता हुआ आता है और गाड़ी के साथ साथ भागने लगता है, तो दूर तक भागेगा फिर रुक जाएगा। वो असल में क्यों भागता है? वो आपका रास्ता रोकने की कोशिश करता है। तो जब ट्रेन चल रही होती है तो उन रखवाली करने वाले कुत्तों को पता होता है कि हम तो इस ट्रेन का रास्ता नहीं बदल सकते। दे स्लंबर ऑन विद पॉज अक्रॉस, स्लंबर, स्लंबर का मतलब होता है स्लीप। तो जब उन्हें पता है कि हम इसका रास्ता नहीं रोक सकते तो वो कहते हैं हम पागल हैं इसके पीछे भागें, तो फिर वो अपने ऐसे पॉज अपने पंजे ऐसे उल्टे रखकर एक दूसरे पे ऐसे सोए रहते हैं। इन द फार्म शी पासेस, और वो खेत से गुजरती है। नो वन वेक्स, कोई नहीं जागता। क्यों नहीं जागता? क्योंकि ये ट्रेन का जो सफर है उसकी जो टाइमिंग है वो रूटीन वर्क है, सबको पता है कि वो यहां से गुजर रही है, इसलिए कोई बॉदर नहीं करता, वो उसने जाना अपने टाइम से गुजर जाना है। इन द फार्म शी पासेस नो वन वेक्स, और खेत से गुजरती है कोई नहीं जागता। बट अ जग इन अ बेडरूम जेंटली शेक्स, लेकिन कमरे में पड़ा जो जग होता है वो हल्का सा ऐसे शेक कर जाता है, हिल जाता है। ये असल में ना आखिरी लाइन उसने खूबसूरती पैदा करने के लिए, म्यूजिक पैदा करने के लिए लिखी है, इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है। लो ये हमारी नज़म है नाइट मेल। मैं कहता हूँ आज के लिए इतना ही। हमने आज, मुझे खुद ये नज़म पढ़ाकर मज़ा आया, बड़े अच्छे तरीके से हमने पढ़ी है। इसके अंदर जो टेक्निक्स उसने अप्लाई की पर्सोनिफिकेशन की, ट्रांसफर एपिथेट की, ये भी मैंने आपको बता दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोएम अभी समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और बच्चों भाई थोड़ा फोकस किया करो लेक्चर के ऊपर, कितनी दफ़ा समझाऊँ, लड़ाइयाँ मत करो। आप सब लोग आपस में क्लास फेलोज हैं, तो क्लास फेलोज लड़ते अच्छे नहीं लगते। टेस्ट का सिलेबस बेटा पहले 5 चैप्टर हैं, उसमें से सिनोनिम्स और एमसीक्यूज आएंगे, बहुत सिंपल, सिनोनिम्स और एमसीक्यूज 20 नंबर के, और कुछ नहीं आएगा।
ये किसी ने पूछा कॉन्टिनेंटल फिलोसफी क्या होती है, ये बेटा जो यूरोपियन लोग थे उन्होंने जो फिलोसफी वगैरह वो ये खास एक पैटर्न होता है, तो वो जो फिलोसफर थे ये गालिब पूछ रहे कॉन्टिनेंटल फिलोसफी जो ये एक खास खित्ते से ताल्लुक रखने वाले और एक खास नजरिया रखने वाले जो फिलोसफर थे उनको कॉन्टिनेंटल फिलोसफी कहा जाता। समन बेटा टेस्ट मैंने बता दिया, सैटरडे को टेस्ट है, 20 नंबर का टेस्ट होगा, उसके अंदर सिनोनिम्स और एमसीक्यूज आएंगे पहले 5 चैप्टर में से। रिदा बेटा टेस्ट का टाइम होगा आई थिंक मैक्सिमम 8 से 10 मिनट या 5 मिनट। पॉज का मतलब होता है बेटा पंजे, जिस तरह हमारे हैंड्स होते हैं ना उनके अगले वो पॉज कहते हैं पंजे, ये जैसे ऐसे करके वो बैठा हो पॉज अक्रॉस। ओ गालिब अब बेटा तुम क्या निकालते रहते हो, मुझे क्या पता ये फॉर्मूला क्या है, ये अपने किसी को, मुझे तो ये कुछ साइंस का फॉर्मूला लग रहा है। जी जी अब्दुल्ला जो मैंने करवाए हैं तकरीबन वही आएंगे, जी जी वही होंगे जो मैं करवाता रहता हूं। 10 मिनट मुझे लगता है बहुत ज्यादा टाइम है, आप डिक्शनरी से फौरी तो उसका मतलब निकाल लेंगे और उसे करेक्ट कर देंगे। सात आठ मिनट दूंगा बस। जी इंग्लिश के लेक्चर्स में टेस्ट होगा, जी मेरे ही लेक्चर में टेस्ट होगा। परसोनिफिकेशन बेटा परसोनिफिकेशन का उमैर मतलब होता है कि जब हम किसी बेजान चीज को ऐसी खसूसियात के साथ बयान करें जो जानदार के अंदर होती हैं। जैसे कि देखो बादल हैं और बारिश हो रही है और मैं कहूं देखो आज तो बादल भी रो रहे हैं, अब रोना ये किसकी खूबी या खामी, किसी इंसान की या जानवर की ना, जो जानदार चीज है, बेजान चीज तो नहीं रो सकती। लेकिन यहां पर मैंने बादलों को कहा कि वो रो रहे हैं तो वो उसका मतलब तो वही है कि वो पानी बह रहा है तो हम कहें कि उनके आंसू निकल रहे हैं। तो इसी तरह किसी बेजान चीज को जो है वो दे देना ऐसी खूबी जो किसी जानदार की होती है उसे कहते हैं परसोनिफिकेशन। जैसे पहली पोएम में हमने पढ़ा था कि पत्ते पानी पी रहे हैं, अब पत्ते तो पानी नहीं पीते, पानी पीना तो किसी जानदार का है, तो उसने बेजान चीज को परसोनिफाई कर दिया। ओके इंपॉर्टेंट स्टांजा पॉइंट आउट कर दें, इसमें जो बेटा मैंने आपको बताया था जो इसका तीसरी दो लाइंस हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। ऑलराइट एमसीक्यू नोट्स, वो नोट्स बेटा आपको इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है और जो मैं लेक्चर पढ़ाता हूं इसीलिए कहता हूं कि रजिस्टर रखें ताकि आप अपने नोट्स खुद बनाए। पहले 5 चैप्टर का टेस्ट है, पहले 5 चैप्टर बार बार सिलेबस बता रहा हूं मैं अभी जो है इसके मैं लिंक के ऊपर भी जो हमारी campus.pk के मेन पेज है उसके ऊपर भी मैं कर चुका हूं बेटा पोस्ट, पढ़ा करें जी 1 से लेके 5 तक चैप्टर first 5 चैप्टर। सही बात है आयशा बेटा बिल्कुल, आपने ये आपस में लड़ाइयां खत्म करें तो बात मेरी सुने तो फिर है ना, बात ही कोई नहीं सुनता, बच्चे अब भाई बड़े हो गए हैं, अब बच्चे नहीं रहे, अब वो समझते हैं कि हम बड़े हैं जो हम बात कह रहे हैं वो सुनी जाए, हम और किसी की बात नहीं सुन सकते। जी जी ये पोइट्री का एक टेक्निक है। टेस्ट का सिलेबस बेटा 5 चैप्टर पहले। बिनते कह रही है कि ट्रांसफर्ड एपिथेट की जो है वो डेफिनेशन लिखवा दें, हाँ जी इसकी डेफिनेशन लिखें, ट्रांसफर्ड एपिथेट इज ए टेक्निक, मैं इधर लिख देता हूं। मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, इट इज ए टेक्निक इन विच
एन एडजेक्टिव ग्लिच था जिसकी वजह से हमारी वीडियो जो है वो उसका लिंक डाउन हो गया था। अभी आप वीडियो देख रहे हैं। ये ट्रांसफर्ड एपिथेट की मैंने डेफिनेशन लिखी है। इट इज अ टेक्निक इन विच एन एडजेक्टिव इज अटैच्ड विद अ नाउन बट इट रिप्रेजेंट्स द अदर नाउन इन द सेंटेंस। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक एडजेक्टिव किसी नाउन के साथ लगाते हैं लेकिन उसका मतलब उस एडजेक्टिव का उस नाउन को चेंज करना नहीं होता बल्कि उसके उस सेंटेंस के अंदर जो दूसरा नाउन होता है उसकी तरफ इशारा करना होता है। जैसे आई स्पेंट एन एंशियस नाइट, जहां पे ये एंशियस जो हमारा एडजेक्टिव हमने जोड़ा तो नाइट के साथ है लेकिन ये रात तो परेशान नहीं हो सकती, परेशान तो हमारा ये आए है सब्जेक्ट है, तो ये एंशियस असल में इसको शो कर रहा है लेकिन हमने अटैच जो है वो किसी और नाउन के साथ किया। ट्रांसफर करना एपिथेट, एक खूबी आगे दे देना, इसे कहते हैं ट्रांसफर एपिथेट। उम्मीद करता हूं कि ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। लो बच्चों आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, लड़ाई ना किया करें अच्छे तरीके से, छोटे छोटे बच्चे हो क्या करते हो, ठीक है, अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।